हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। फ्रेंड्स, राखी का त्यौहार आने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा है, तो मैंने सोचा इस बारी कुछ राखी के लिए बताया जाए जो आप अपने भाइयों के लिए बनाएं और वो बहुत ही हेल्दी हो। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट बनाते हैं। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ चोको नट क्लस्टर्स की रेसिपी, जो मैं डार्क चॉकलेट से बनाऊँगी। हेल्दी भी हो गई, टेस्टी भी हो गई। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। देखिए, मैंने थोड़े से नट्स लिए हुए, ड्राई फ्रूट्स लिया हुआ है। ये देखिए, मैंने बादाम लिया हुआ अराउंड 1 कप, ये मैंने अखरोट लिया हुआ है अराउंड 1 कप, किशमिश लिया हुआ है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ना डालना चाहें। मैंने थोड़े से किशमिश लिए हुए अराउंड 200 ग्राम्स, मैंने ये डार्क चॉकलेट ली हुई है। चलिए अब हम इसको, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए, मैंने ये क्लस्टर्स आपको डार्क चॉकलेट में बताए हैं। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें 2:1 के रेशियो में भी बना सकते हैं। 2 पोर्शन आप डार्क चॉकलेट के डालिए और 1 पोर्शन आप मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, या वाइट चॉकलेट, या चाहे तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोई टोटली आप मिल्क चॉकलेट में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बनाना चाहें इसको उसी तरह से बना सकते हैं। अब इसके लिए आप सबसे पहले देखिए मैंने क्या करना है। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स, ये बादाम है, और इनको एक बाउल में डालेंगे, और ये अखरोट है, वॉलनट, इनको हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे इसके बाद, और उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको आगे चॉकलेट कैसे बनाना है, क्लस्टर्स कैसे बनाने हैं। कि मैंने ड्राई फ्रूट को कर लिया माइक्रोवेव में, मैंने देखिए 1 मिनट बोला था पर मैंने 2 मिनट किया है, क्योंकि इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए जो चॉकलेट में डल लें। अब इसको हमें टोटली ठंडा कर लेना है, बिल्कुल इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसके बाद हम चॉकलेट कर लेते हैं। चलिए, ये हम चॉकलेट को, डार्क चॉकलेट को एक बड़े से बाउल में डालेंगे। उसके बाद हम इसको अब 1 से 1.5 मिनट माइक्रोवेव करना है। अब आप देख लेंगे अगर जिसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, जले नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए सबसे पहले हम 1 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में चला लेते हैं। हमने चॉकलेट को 1 मिनट के लिए किया है, अभी देखिए नहीं हुआ है इसको, मुझे लग रहा है अभी 30 सेकेंड्स का है। हम इसको 1 मिनट के लिए इसको और कर लेते हैं, चॉकलेट को 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में फिर से कर लेते हैं। देखिए, मैंने चॉकलेट को 1 मिनट और कर लिया था, ये अच्छे से देखिए मेल्ट हो गई है इस टाइम पे, ये देखिए बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स करके रखे हुए थे, देखिए मैंने अखरोट को 2 टुकड़ों में कर लिया था, आप जितना चाहें, ये देखिए इस टाइप से जितने साइज़ का, और बादाम मेरे साबुत है, अब हम सारा कुछ इसमें डाल देंगे। देखिए, मेरे डार्क चॉकलेट मैंने यूज़ इसलिए करी क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है डार्क चॉकलेट, और ये बहुत ही पावरफुल सोर्स होती है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और ये हमारे हार्ट डिजीज़ हो जाती है उनके रिस्क को भी बहुत कम करती है। तो जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए डार्क चॉकलेट अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। इसमें ये देखिए इस टाइम पर मैं किशमिश डाल दूँगी, जो डालना चाहे, ये देखिए। मिक्स कर लिया। चलिए अब हम इसको सेट करने रख देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अब इसके बाद हम इसको चलिए सेट कर देते हैं। ये देखिए, मैंने एक बेकिंग पेपर बिछा लिया है, उसके बाद हम ये एक स्पून से जितने बड़े जिस शेप में आपको बनाने हो इस टाइप के रखते चले जाएंगे। आपको छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, आपकी चॉइस है, आप कैसा बनाना चाहते हैं क्लस्टर्स। इस तरीके से हम सारे सेट कर लेंगे। राखी आई गई है तो आप भी बनाइए, आप जो भी लेके जा रहे हैं बाजार से, साथ में आप ये क्लस्टर्स भी घर से बना के लेके जाइए। देखिए, हमारे इसी तरीके से हम सारे क्लस्टर्स सेट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, और बहुत ही हेल्दी है, और बहुत ही टेस्टी है।
बच्चों के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया है इनका, कि आप बच्चों के लिए चाहें तो मिल्क चॉकलेट से बना सकते हैं, डार्क चॉकलेट में वाइट चॉकलेट ऐड करके बना सकते हैं। इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए सारे सेट करके फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप इसको रख देते हैं, इसके बाद चलिए हम निकालते हैं, फिर देखते हैं कैसे हमारे क्लस्टर्स रेडी हुए हैं। देखिए हमारे चोको नट क्लस्टर्स बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट किया था। अब चलिए हम इसको सर्व करेंगे। और ये देखिए, आप इसको देखिए ईजिली, ये देखिए कोई भी स्टिक नहीं होते, कुछ नहीं होता। ये देखिए इस तरीके से इसको करेंगे। और अगर आपने इसको चाहना है तो इस तरीके से आप इसमें भी डाल सकते हैं कप के लाइनर्स में। तो आप जैसा लुक देना चाहते हैं वैसे ही सर्व करिए। हमारे अराउंड 12 से 13 बन गए हैं ये, इतने मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया था इस में। तो आप इसको जल्दी से बनाइए और ट्राई करिए। अपने भाई के लिए जो भी आप मिठाई लेके जा रहे हो साथ में, ये भी बना के ज़रूर ले जाइएगा। और आपके घर में बच्चे हैं छोटे, तो उनके लिए आप मिल्क चॉकलेट में बनाइए और खिलाइए। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और अपने हाथ से बनाई चीज़ का तो देखिए मज़ा ही कुछ होता है। चलिए अब हम इसको सर्व कर देते। देखिए बिल्कुल मैंने इसको सर्व कर दिया। आप इसी तरीके से पैकिंग करिए और फटाफट बनाइए, टाइम कम है। और देखिए सबको, सबसे ज़्यादा आप जितना कुछ भी बनाएंगे सबसे अच्छा लगेगा मुँह मीठा करने का। इससे अच्छा कुछ भी तरीका नहीं हो सकता कि जो आप अपने हाथ से बना के खिलाएं अपने भाई को, तो ये सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। तो चलिए आप इसको बनाइए और बताइएगा आपका कैसा बना, क्योंकि बनाना भी बहुत आसान है। इसमें ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो बनाने में। और अगर अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर बताइएगा और बाकी के भी मेरे वीडियोस देखिएगा। आपको फ्रेंड्स पता है राखी में हम लोग मीठी सेवैयाँ ज़रूर बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, चाशनी वाली मीठी सेवियाँ। एक अच्छा सगन मानते हैं हम लोग, ज़रूर बनाते हैं रक्षाबंधन वाले दिन, भैया दूज वाले दिन। तो वो भी, उसकी रेसिपी भी मैंने अपने YouTube चैनल में डाली हुई है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर। और वो भी ज़रूर ट्राई करिएगा और बनाइएगा इस अच्छे से मौके पर। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।